हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम टेलविंड सीएसएस को नेक्स्ट जेएस में इंटीग्रेट करेंगे और हम टेलविंड सीएसएस के प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट जेएस में यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट फाइल में आ जाएंगे, जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट फाइल है। इससे पहले हमने देखा ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे हमें इसके फाइल स्ट्रक्चर को जाना है, कैसे कौन सा फाइल क्या काम करता है और हम कहाँ पे किस चीज़ को क्रिएट करेंगे और किसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाने से ये आ जाता है टर्मिनल। यहाँ पर हम लिखते हैं npx, यहाँ पर हम लिखते हैं npm रन डेव। ये करने से हमारा जो लोकल होस्ट सर्वर है वो ओपन हो जाएगा, तो हम अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा वेब पेज है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये हमें दिखेगा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट जेएस। तो ये हमारा वेब पेज है जो कि नेक्स्ट जेएस के थ्रू दिया गया है, प्री बिल्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर वेलकम टू नेक्स्ट जेएस जब पे हम देखते हैं वेलकम टू आईटी एप्स, तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएट नेक्स्ट ऐप। यहाँ पे हमारा जो है ये टाइटल है, यहाँ से हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम चेंज करेंगे वेलकम टू नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस के जहाँ पे क्या है वेलकम टू है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल एफ करते हैं वेलकम टू। तो यहाँ देखिए वेलकम टू H1 टैग में है और हम यहाँ पे चाह रहे हैं जो हमारा जो नेक्स्ट जेएस है इसके जगह पे हमें आईटी एप्स दिखे, तो यहाँ पे हम आईटी एप्स हम ये देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं एक इमोजी, तो यहाँ पे हमारा ये इमोजी हो गया। तो देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट जेएस का पेज है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर हमको रिफ्लेक्ट करेगा वेलकम टू आईटी एप्स इमोजी। तो ये सिंपल सा है कैसे हम HTML को यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की मदद से हम इसको चेंजेस करेंगे। ये सब सारा हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो पहले हम इसे डिलीट करते हैं और ख़ुद का एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाते हैं, एक div कंपोनेंट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे div और यहाँ पे हम देंगे H1 टैग, और H1 टैग देने के बाद हम यहाँ लिखेंगे वेलकम टू आईटी एप्स। तो हमारा ये एक सिंपल सा H1 टैग है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो सिंपल सा इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे टेलविन सीएसएस को। ये रहा हमारा टेलविन, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और हम यूज़ करेंगे सीएसएस स्टाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसे एक नेक्स्ट टाइप में आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टेलविंड सीएसएस इन नेक्स्ट जेएस। तो ये सर्च करने के बाद ये हमारा जो सबसे पहला वाला आएगा, यहाँ देखिएगा आपको दिखेगा इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद नेक्स्ट जेएस। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ आपको कुछ कमांड दिए गए, तो पहला तो हमारा क्रिएट हो चुका है npx क्रिएट प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमको ये इंस्टॉल करना है पैकेज, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी हो जाएगा क्लिक करने पर। उसके बाद हम अपने आएंगे VS Code पे, हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस टिल दबाएंगे और यहाँ पे हम एक प्लस बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक नया टर्मिनल आएगा और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करने से ये पेस्ट हो जाता है और यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। तो ये हमारा जो npm जो है, ये टेलविन सीएसएस का जो पैकेजेस है वो हमारे ये नोड मॉड्यूल जो आपको फोल्डर दिख रहा है इसमें हमारा वो सारा इंस्टॉल करके रख देगा। तो यहाँ देखिएगा आपको कुछ टेलविन सीएसएस का कुछ दिखेगा, कहाँ गया आपको इसमें टेलविन सीएसएस का दिखेगा फाइल फोल्डर। और अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल से आके यहाँ आएंगे पैकेज और जेसन में और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा टेलविन सीएसएस जो हमारा डेव डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुका है, जो कि वर्जन है 3.1.8। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे देखिएगा ऑटो फिक्सर था, npm इंस्टॉल टेलविन पोस्ट सीएसएस ऑटो फिक्सर।
तो पोस्ट सीएसएस भी हो गया है, ऑटो फिक्सर भी हो गया है और टेलविन सीएसएस भी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एनपीएक्स टेलविन इंट आईएनआईटी डैश पी है, तो यहाँ पे आईएनआईटी डैश पी हो चुका था और शायद देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉल टेलविन ऑटो फिक्सर और वो नेक्स्ट कमांड यहाँ रहा है npx tailwind, यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे करने से ये कमांड फिर से रन होगा क्योंकि वहाँ पे दो कमांड थे तो दोनों कमांड रन करना होगा। तो इसके थ्रू यहाँ पे एक देखिए आपको एक फाइल क्रिएट हो गया जो कि tailwind.config.js है। तो आपको यहाँ पे आना है और ये देखिए आपको कुछ कोड्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है इसके पेज पर से। या आप tailwind.config.js में आपको कुछ कमांड दिए गए तो आप इसको सिंपल सा कंप्लीट को कॉपी करेंगे और अपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, तो ये हमारा रिप्लेस हो चुका है और हम इसको करेंगे सेव। तो सेव हो चुका है, अब नेक्स्ट हमारा काम है जो कि हमारा global.css है, आपको इसको उसमें पेस्ट करना है आपके css वाले फाइल में। तो आप आएंगे अपने पेज में वापस, यहाँ पे आ जाएंगे स्टाइल्स में global.css से आप इसमें आएंगे और इस सब को आप डिलीट कर देंगे और आप इसको सिंपल सा सबसे पहले ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जितना हम वहाँ पे कॉपी किए थे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा npm run dev क्योंकि हमारा पहले से रन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है इस टाइप का, तो हम इसको सिंपल कॉपी कर रहे हैं, बस डेमो पर्पस से इसको कॉपी कर रहे हैं और हम अपना index.js वाला फाइल है अब इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे और हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ हमारा जो लोकल होस्ट है यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड और उसके अंदर एक अंडरलाइन है जो कि यहाँ css प्रॉपर्टी दिया गया है। अगर हम यहाँ पे चेक करें यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट एक्स सेमी बोल्ड देते हैं तो ये हमें देखिए सेमी बोल्ड हो चुका है हमारा हेलो वर्ल्ड। अगर हम अंडरलाइन हटाना चाह रहे हैं तो हम अंडरलाइन यहाँ से हटाएंगे तो ये देखिए हमारा अंडरलाइन हट गया। तो यहाँ हम सिंपल से चेक कर लिए हमारा जो टेलविन सीएसएस है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अगर आपको सीखना है इसके बारे में अच्छे से तो आप यहाँ आएंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा स्टाइलिंग फीचर दिख जाएगा, आपको कौन सा चीज़ कैसे काम करना है। अब सिंपल सा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट कलर तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको सीएसएस में कैसा लिखते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है और भी है बहुत सारा, आप चेक कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्सटेंशन है जो कि इंस्टॉल करने होंगे जिससे आपको सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव टूल्स, तो ये रहा ES रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप दूसरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि एक्सटेंशन है, आप पहले कीजिएगा टेलविंड सीएसएस, तो आपको सबसे पहले दिखेगा टेलविंड का, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा जो सीएसएस स्टाइलिंग होगा टेलविंड का ये हमें करने में आसानी देगा। तो फिर यहाँ देखिएगा ये बोल रहा है, देखिए आपको एरर दे रहा है जो आपने पहले फॉन्ट बोल्ड किया और फिर सेमी बोल्ड किया, आप क्या रखना चाह रहे हैं, आप कोई एक ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एरर शो किया हमारा, तो ये हम इसको फिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम टेक्स्ट यहाँ पे ब्लू, तो ये हमें सजेशन दे रहा है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ब्लू 600 हम रखना चाह रहे हैं कलर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारा कुछ, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा सजेशन में आप क्या करना चाह रहे हैं, फॉन्ट सेरिफ मतलब बहुत सारा चीज़। तो आप ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे और आप अपना टेलविन सीएसएस स्टाइलिंग सबको ऑटोमेटिक आपको सजेशन में मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।